आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज। मऊ के मधुबन थाना क्षेत्र स्थित धर्मपुर विष्णुपुर ग्राम पंचायत में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक शातिर बदमाश मारा गया जबकि दूसरा भागने में सफल रहा। पुलिस ने मौके से बदमाश के पास से 2 पिस्टल एक बाइक बरामद की है। वहीं मुठभेड़ के दौरान पुलिस के जवानों की बुलेट प्रूफ जैकेट पर भी गोली लगी है, जिसमें पुलिसकर्मी बाल बाल बचे। थाना क्षेत्र मधुबन अंतर्गत बिनटोलिया गांव के पास इस जंगल में आज पुलिस के साथ बदमाशों की मुठभेड़ हुई है, जिसमें बदमाशों को जब पुलिस के द्वारा घेरा गया, उनके द्वारा पुलिस के ऊपर, पुलिस पार्टी के ऊपर फायर किया गया। जैसा कि आप देख सकते हैं, मौके पे एक मोटरसाइकिल है, 2 असलाह मौके से बरामद हुए हैं। इस एक्सचेंज ऑफ फायर के दौरान एक बदमाश को गोली लगी है, जिनको प्राथमिक उपचार के लिए तत्काल CHC ले जाया गया, जहाँ उनको ब्रॉड डेड घोषित किया गया। बदमाश की शिनाख्त का भी प्रयास कराया जा रहा है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उनको ले जाया जा रहा है। 2 लोगों को जो BP जैकेट, क्योंकि पहन रखी थी तो BP जैकेट में 2 लोगों को गोली लगी है, और कुछ गाड़ी में डैमेज हुआ है, गाड़ियों भी गोली लगी, जो पुलिस की गाड़ियां थी उसमें गोली लगी, सभी सुरक्षित। सर, क्या ये इनामिया था या कुछ? अब ये शिनाख्त हो जाए, एक बार शिनाख्त हो जाएगी उसके बाद ये डिक्लेयर किया जाए। रामपुर में उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग के कर्मचारी की सड़क हादसे में मौत हो गई। CO केमरी ने बताया कि लोक निर्माण विभाग में तैनात कर्मचारी सोमपाल अपने घर जा रहे थे, तभी किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। उनकी मौत सर पर चोट लगने की वजह से हुई है। उन्होंने हेलमेट नहीं पहना था, जबकि हेलमेट गाड़ी में ही टंगा था। अगर हेलमेट होता तो जान बच सकती थी, लिहाजा लगातार लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि हेलमेट पहनकर ही चलें। PWD में कार्यरत थे सोमपाल जी, और वो कोयली थाना भोर के निवासी थे। तो कैमरी से आ रहे थे अपने साइड से, तो किसी अज्ञात वाहन ने इनको ठोकर मार दिया। कंट्रोल रूम के द्वारा सूचना मिली, तो चूंकि मैं कैमरी क्षेत्र में भी था, तो लगभग 4 मिनट के अंतराल के 4-4.5 मिनट लगभग में हम लोग पहुँच गए वहाँ पर। वहाँ पर तत्काल इनको एम्बुलेंस में लाद करके इनको भेजा गया, पर बचा नहीं गया। और सबसे बड़ी बात देखने को मिली कि जो मोटरसाइकिल थी उसमें हेलमेट टंगा हुआ पाया गया था, अर्थात हेलमेट लगाए नहीं। लगातार हम लोग जागरूक कर रहे हैं, गोष्ठी और नुक्कड़ और कॉलेज, स्कूल, चौराहे, पार्क, हर जगह कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के पिछले वर्ष में 396 की तुलना में पिछले वर्ष 396 दुर्घटनाएं हुई थी, उसके परिप्रेक्ष्य में इस बार में मेरे ख्याल से 289 दुर्घटनाएं हुई हैं, और 11% जो दुर्घटनाओं में मृत की संख्या है उसमें 11% की कमी आई है। और ये कुल मिलाकर जागरूक लोगों की जागरूकता का परिणाम है, और आने वाले कल में भी और हम कमी लाएंगे, कोशिश यही रहेगा। जैसा कि शासन स्तर से और उच्च अधिकारियों का निर्देश है, उसी के अनुक्रम में हम कार्य कर। रामपुर में परिवहन विभाग और पुलिस की ओर से संयुक्त रूप से यातायात माह मनाया गया, जिसके चलते सड़क हादसों में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम में मौजूद मिलक विधायक राजबाला ने भी मृतकों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान कार सवारों से सीट बेल्ट लगाने और बाइक सवारों से हेलमेट लगाने की अपील की गई। उन्नाव में UPSIDC ट्रांस गंगा सिटी में जमीन अधिग्रहण को लेकर किसानों का आंदोलन उग्र हो गया, जिसके चलते जिलाधिकारी और कप्तान ने लाठी चार्ज का आदेश दे डाला और फिर किसानों पर खूब लाठियां बरसाई गईं। किसानों का कहना है कि अपना हक मांगने पर लाठियां बरसाई जा रही हैं। किसानों ने सपा पदाधिकारियों के सामने भी अपना दुखड़ा सुनाया। सिद्धार्थनगर जिले की बासी कोतवाली क्षेत्र स्थित असनहरी गांव में लग रहे खड़ंजे को लेकर 2 पक्षों के बीच विवाद चल रहा था, जिसके चलते ग्राम प्रधान ने समझौते के लिए दूसरे पक्ष को अपने घर बुलाया। इस दौरान प्रधान पक्ष के किसी आदमी ने दूसरे पक्ष के युवक को गोली मार दी, जिसे फौरी तौर से अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। अब पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में लिया है, जबकि बाकियों की तलाश की जा रही है। ग्रेटर नोएडा में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर खूनी संघर्ष हुआ। दबंगों ने 3 लोगों पर जानलेवा हमला कर दिया, जबकि 2 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। वहीं पीड़ित का आरोप है कि आरोपी अब भी खुले घूम रहे हैं।
बांदा में पूर्व मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा के परिजनों से फिरौती मांगने वाले लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये लोग 1.5 करोड़ की रंगदारी के लिए फोन पर लगातार धमकी दे रहे थे। बता दें कि अतरा के रहने वाले लक्ष्मी प्रसाद कुशवाहा ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि कुछ लोग फोन पर 1.5 करोड़ रुपए की फिरौती मांग रहे हैं। वहीं अब पुलिस ने छानबीन करते हुए 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें से एक अपराधी चित्रकूट जनपद का रहने वाला है, जिस पर करीब 25 मुकदमे दर्ज हैं। थाना सभा में एक मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें लक्ष्मी प्रसाद कुशवाहा जी के मोबाइल पे 1.5 करोड़ की रंगदारी की मांग की गई थी। मुकदमे के बाद ये तफ्तीश चालू हुई और जो पैटर्न जो प्राप्त हुआ उसमें ये निकला कि एक राजा द्विवेदी हैं, उन्होंने गया प्रसाद यादव के साथ पूरा षड्यंत्र किया था। उन्होंने चित्रकूट के निवास चित्रकूट में रहने वाले चंद्रशेखर और बल्लू के माध्यम से जो कॉल कराया, ये चंद्रशेखर और बल्लू ने 2 बार कॉल करके इनसे रुपये की मांग की और धमकी वगैरह भी दिया। जब पुलिस को ये सूचना मिली तत्काल FIR दर्ज हुआ और आप देख ही रहे कि कितने कम समय में इसकी गिरफ्तारी हो गई है। एक व्यक्ति जो गया प्रसाद यादव अभी गिरफ्त नहीं आया, उसके विरुद्ध इनाम की घोषणा की गई, जल्द उसको पकड़ लिया जाएगा। बांदा के कमासिन थाना क्षेत्र स्थित ग्राम देवीन का पूर्वा में विवाहिता के परिजनों ने ससुराल वालों पर दहेज हत्या का आरोप लगाया। लड़की के पिता की माने तो उन्होंने बेटी की शादी में हैसियत के हिसाब से 3 लाख रुपए नगद, गृहस्थी का सामान और बाइक दी थी, लेकिन ससुराल वाले भैंस और सोने की चेन भी मांगने लगे। अब विवाहिता की मौत हो गई। परिजनों की आशंका है कि ससुराल वालों ने ही लड़की को मारकर कुएं में फेंका है। बांदा में बिजली विभाग के कर्मचारियों ने PF घोटाले को लेकर प्रदर्शन किया। जिले के सभी विद्युत कर्मचारी अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर 2 दिवसीय हड़ताल पर चले गए हैं। विभाग के कार्यालयों पर ताला लटका हुआ है। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार घोटालेबाजों से उनके रुपए वापस ले, साथ ही लिखित रूप से आश्वासन दे कि उनकी भविष्य निधि सुरक्षित है। आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज़।